गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन दैट वीडियो वी विल बी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन एमिबा नाउ स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे एस वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर हायर ऑर्गेनिजम्स दे आर हायर एनिमल्स दे आर परफॉर्म

बॉडी में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर अदर वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम एलिमेंट्री केनाल की बात करते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्री केनाल सिक्स टू नाइन मीटर्स की एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो की ह्यूमन बींग्स के माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड होती है माउथ और एनस के बारे में हम डिस्कस करेंगे सो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट सिक्स टू नाइन मीटर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस माउथ टू एनस तक एक्सटेंडेड होती है अब इस लॉन्ग ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ and mouth cavity pharynx esophagus esophagus is also called as food pipe stomach small intestine small intestine consists of three parts duodenum jejunum and ileum last one is large intestine large intestine also consists of three parts cecum colon and rectum and the last one is anus so we have seen that elementary canal is starting from mouth and ending till anus clear students second part डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड वॉट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कुछ वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं क्योंकि इन्हीं डाइजेस्टिव जूसेज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड में थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सेवरल गैस्ट्रिक ग्लैंड सेवरल इंटेस्टाइनल ग्लैंड वन लिवर एंड वन पेंक्रियाज ये जितने भी ऑर्गेंस के बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं दीज आर एक्चुअली डायजेस्टिव ग्लैंड वाई डू वी कॉल दैम एस डाइजेस्टिव ग्लैंड बिकॉज ऑल दीज ग्लैंड रिलीज एज डाइजेस्टिव ज्यूसेज डाइजेस्टिव ज्यूसेस कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्लियर स्टूडेंट्स अब हम डायग्राम से इसी चीज को समझते हैं सिस्टम तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट में आपको माउथ दिखाई देगा माउथ क्या है माउथ एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है और वो कवर्ड किससे होती है दो मूवेबल लिप्स से हम अपने माउथ को दो मूवेबल लिप्स से कवर्ड रखते हैं माउथ जो होती है हमारी एक वाइट चैंबर में जाके ओपन होती है और उस वाइट चैम्बर को हम माउथ कैविटी कहते हैं मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन आप दिमाग में ये रखिए कि माउथ जिस बड़े से चैम्बर में जाकर ओपन होता है उस बड़े चैंबर को हम माउथ कैविटी के नाम से जानते, है। जानते हैं माउथ कैविटी में वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं माउथ कैविटी में टीथ होती है डिफरेंट टाइप्स की माउथ कैविटी में मस्कुलर टंग होती है माउथ कैविटी में थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इन सभी के बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट माउथ कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब माउथ कैविटी एक छोटे से ट्यूब में ओपन होती है दिस शॉर्ट ट्यूब इज नोन एज फेरिंग्स फेरिंग्स का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स फेरिंग्स एक छोटी सी ट्यूब होती है और ये एक कॉमन पैसेज कही जाती है कॉमन पैसेज दो चीजों की होती है कॉमन पैसेज का मतलब कि जहां से कई चीजें एंटर करती हैं यह किन चीजों की कॉमन पैसेज कही जाती है है नोज से आने वाली जो नेजल कैविटी होती है और उससे निकलने वाली जो विंड पाइप होती है आपको पता है कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम डाइजेस्टिव इस तरीके के सिस्टम होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं विंड पाइप और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं तो फेरिंग्स एक वो कॉमन पैसेज होती है जिस कॉमन पैसेज से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का एंट्रेंस होता है दैट्स why वी मे कॉल फेरिंग्स एज अ कॉमन पैसेज अब इस कॉमन पैसेज से यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम फूड पाइप की बात करेंगे फेरिंग्स लीड्स इन टू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं ये एक ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स से जो है कंटिन्यू होती है और हमारे स्टमक को माउथ कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती है इस लॉन्ग ट्यूब के बारे में अगर समझा जाए तो ये मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल एक मस्क्यूलर ट्यूब है तो ईसोफेगस भी मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है इस मस्क्यूलर ट्यूब में किसी भी तरीके का कोई ग्लैंड नहीं कोई और स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं लेकिन ईसोफेगस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड जो माउथ कैविटी में प्रेजेंट है उस फूड को स्टमक तक पहुँचाने में लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माउथ कैविटी के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स जब इंजेशन की प्रोसेस के समय हमारी बॉडी माउथ से कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करती है इंजेस्ट करते हैं हम फूड तो वो फूड एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है उस फूड को हमें सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है यानी कि डाइजेस्ट करना होता है उस सिंपल फूड का डाइजेशन हमारे माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है इसको थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं डिटेल में तो आगे समझेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं माउथ कैविटी के अंदर हमारे फूड में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट पार्ट का जो स्टार्च जो हम चपातीस राइस ये सारी चीज़ें ईट करते हैं इनटेक करते हैं उसमें पाए जाने वाला जो स्टार्च पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का उसका पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ कैविटी में स्टार्ट हो जाता है माउथ कैविटी में जो टीथ होती है वे फूड को चुई करती हैं ग्राइंड करती हैं क्रश करती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं वो सलाइवा नाम का डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती हैं सलाइवा के अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे खाए गए फूड में से जो स्टार्च पार्ट है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देती हैं टंग जो होती हैं हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती हैं तो माउथ कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं माउथ कैविटी में फूड की ग्राइंडिंग होती है क्रशिंग होती है चुइंग होती है बाइटिंग होती है कटिंग होती, होती है ये सारे काम माउथ कैविटी में जो पाए जाने वाली टीथ है उसका काम है सलाइवरी ग्लैंड्स उस टूटे हुए पूरे फूड के पार्टिकल्स में सलाइवा को देती हैं और सलाइवा और फूड पार्टिकल्स को प्रॉपर मिक्स होने में टंग हेल्प करती हैं इस तरीके से हमारे माउथ कैविटी में जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो अब छोटे छोटे पीसेज में टूटा है डाइजेस्ट नहीं हुआ है डाइजेशन तो केवल पार्शियल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हुआ है लेकिन उस फूड के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो टुकड़े हैं वो अब बोलस कहलाते हैं वो एक पल्पी उसमें पेस्ट में चेंज हो जाता है उस पल्पी पेस्ट को हम बोलस कहते हैं नाउ दिस Now this bolus comes into the जब ये bolus में होता है, तो ईसोफेगस इन्हें स्टमक तक कैसे पहुंचाती है ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है जो मस्क्यूलर लाइनिंग होती है उनमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है और उस स्पेशल टाइप के मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जो कि इसोफेगस की इनर लाइनिंग परफॉर्म करती हैं ये वेव लाइक मूवमेंट माउथ कैविटी से बोलस को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती हैं क्लियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और वो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक गस से जब बोलस बोलस मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक में आता है तो स्टमक एक मसल्स का बना हुआ जे के आकार का जे शेप्ड हॉलो बैग लाइक -like स्ट्रक्चर होता है और ये बैग लाइक -like स्ट्रक्चर भी क्योंकि मसल्स का बना हुआ है तो इनके अंदर भी पेरेस्टाइलिस मूवमेंट चलती हैं दूसरी चीज स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जिसमें फूड फोर टू फाइव आवर्स तक स्टोर रहता है यानी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन से पार्ट में स्टोर होता है स्टमक में जिस तरीके से माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स का पार्शियल डाइजेशन हुआ है ठीक इसी तरह स्टमक के अंदर स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती हैं वो वैरायटी ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उनमें पाई जाती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं इनकी गैस्ट्रिक जूसेस में कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं और वो स्पेशल एंजाइम ईसोफेगस से आए हुए बोलस में जो प्रोटीन पार्ट होता है स्टूडेंट्स हम अपने फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स फैट्स सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स इंजेस्ट करते हैं स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हमारे फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन पार्ट part का पार्शियल डाइजेशन करती हैं क्लियर दिस पॉइंट एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जब माउथ कैविटी में फूड होता है तो उसके पार्शियल डाइजेशन में एल्कलाइन मीडियम रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक मीडियम रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन हमारे स्टमक में जब फूड आता है तो स्टमक में फूड एसिडिक मीडियम में ही केवल डाइजेस्ट होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी सिर्फ इतना आप जानिए कि स्टमक में फूड का कौन सा पार्ट पार्शियली डाइजेस्ट होता है कौन सा पार्ट डाइजेस्ट होता है प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है क्लियर अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन ध्यान से इसको देखिएगा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री केनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस बात को फिर से आप याद कर लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल अगर एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर्स का है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर्स ट्यूब होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती हैं। सी के आकार का ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस सी शेप्ड स्ट्रक्चर इज ड्यूडिनम, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूोडनम ओपनस इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड जेजेनम जेजनम में ओपन होता है और जेजनम कंटिन्यू करता है एक लास्ट छोटी सी ओपनिंग में जिसे हम इलियम कहते हैं इट मीन्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के जो थ्री पार्ट्स हैं ड्यूडनम जेजनम एंड इलियम इन तीनों ही पार्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स ड्यूडनम जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो तरीके की ट्यूब्स ओपन होती हुई नजर आ रही हैं एक कॉमन ट्यूब की मदद से ये टू ट्यूब्स कौन कौन सी हैं ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक्चुअली पेंक्रियाज है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एग्जिस्ट करता है पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक कंटिन्यू करती है पेंक्रियाज से कौन सी डक्ट अराइज होती है पैंक्रियाटिक डक्ट और यहाँ पर जो ये आपको स्ट्रक्चर बाइलोब्ड दिखाई दे रहा है दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली लीवर इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे लीवर से निकलने वाली जो डक्ट होती है उसे हम बाइल डक्ट कहते हैं उसे कौन सा डक्ट हम कहते हैं बाइल डक्ट आप ये देखिए बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही डक्ट एक कॉमन डक्ट में ये मार्किंग थोड़ी सी गलत हो गई है इसको दिमाग में अच्छे से रखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर ओपन होती हैं ये डक्ट हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है जो कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को हमारे ड्यूोडनम में ओपन करता है तो हमारे ड्यूोडनम में कौन सी डक्ट ओपन होती है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि एक कॉमन डक्ट होती है ये कॉमन डक्ट कौन कौन सी डक्ट को अपने साथ लेकर ओपन करती है लीवर से आने वाली बाइल डक्ट और पैंक्रिया से आने वाली डक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स एक और बात लीवर क्योंकि लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है हम इसे आगे डिस्कस करेंगे ये डाइजेस्टिव ग्लैंड एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं बाइल जूस बाइल डक्ट की मदद से ड्यूडनम में आकर ओपन होता है पैंक्रियास भी एक ग्लैंड मानी जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से ये पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करती हैं इट मीन्स कि ड्यूडनम में जो दोनों डक्ट हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट की मदद से ओपन करती हैं ये अपने अपने डाइजेस्टिव जूसेस को यहाँ पर रिलीज करती हैं एक और बात ड्यूडनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो इनर लाइनिंग होती है उनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं मैंने तीन तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करी है लीवर जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है बाइल जूस रिलीज करता है ये बाइल जूस बाइल डक्ट से होता हुआ हिपैटो डक्ट से होता हुआ ड्यूडनम में पहुंचता है पैंक्रियाज ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड माना जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट से ओपन होते हुए हिपैटो पेंक्रियाटिक डग से आकर ड्यूडनम में ओपन होता है जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है द थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं और वो ड्यूडनम जेजनम से ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स उनमें पाई जाती हैं और वो इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर रिलीज करती हैं ये तीन तरीके की जूस आकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन करती हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक सबसे खास बात जो लर्न करने की है वो ये है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी माउथ कैविटी से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैं यह कह रही हूं कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फूड का डाइजेशन किस पार्ट में कंप्लीट होता है तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का आगे बढ़ते हैं जेजनम एक लॉन्ग क्वाल ट्यूब होती है जेजनम में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इलियम इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम की जो इनर लाइनिंग होती है अगर आप इलियम के सेक्शन को इस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इलियम की जो इनर लाइनिंग होती है उनमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कुछ खास स्ट्रक्चर को मैं आगे डिस्कस कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोज में इलियम की जो इनर लाइनिंग होती है उनमें कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स निकले होते हैं और उन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को स्टूडेंट्स हम विली के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं हम विली के नाम से जानते हैं विली जो आउटग्रोथ होती है उसका फंक्शन क्या होता है विली एब्जॉर्बन के काम में जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है उस डाइजेस्टेड फूड को विली फुली एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुंचाने में मदद करती हैं विली के स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टूडेंट जरूर से समझेंगे तो विली का काम क्या होता है विली सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ा देती है तो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्न है वो ईजी वे में होना शुरू हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड तक एब्सॉर्ब होकर पहुंच जाता है क्लियर स्टूडेंट्स आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस तो नहीं होती लेकिन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो हो चुका है, फिनिश हो गया है। large intestine में absorption की होती है। गया में की होती डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्न पढ़ा है अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट कोलन सीकम कोलन एंड रेक्टम इसको स्ट्रक्चर को देखिए एक छोटा सा पाउच लाइक -like जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इट इज सीकम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सेकेंड वन इज कोलन एंड द थर्ड वन इज रेक्टम ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पूरा कोलन वाला पार्ट है और सबसे लास्ट में ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये रेक्टम है और रेक्टम एक छोटे से ओपनिंग से बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है इस ओपनिंग को हम एनस के नाम से जानते हैं तो सीकम कोलन और रेक्टम ये जो 3 पार्ट्स हैं इन 3 ये 3 पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के हैं इनकी जो इनर लाइनिंग होती है इनकी इनर लाइनिंग में भी विली पाई जाती हैं इनकी इनर लाइनिंग में भी क्या पाई जाती हैं विली पाई जाती हैं लेकिन जो फूड इलियम पार्ट में डाइजेस्टेड फूड क्योंकि अब्सॉर्ब हो चुका है अब जो फूड इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है उस फूड को हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं और वही फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम कोलन और रेक्टम तक पहुंचाया जाता है तो इनकी भी इनर लाइनिंग में विली पाई जाती है और इस विली का वहां पर भी काम एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ये किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करती हैं एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट का जो भी एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा यूजफुल सॉल्ट अनडाइजेस्टेड फूड में पाई जाती है जिनका कंप्लीट एब्जॉर्बशन ईलियम में नहीं हो पाया है वो एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन के इन पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है क्लियर और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट के एब्सॉर्बशन से जो अनडाइजेस्टेड फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में है उसे हम फीकल मैटर कहते हैं यानी द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फीकल मैटर और वो फीकल मैटर लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है टेम्परेली जिसे हम रेक्टम कहते हैं आपको पता है कि पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं और न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाकर हमें ऑर्डर करती हैं कुछ रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करने के लिए आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रेक्टम में भी जो न्यूरोन्स होती हैं उन न्यूरॉन्स से जब ऑर्डर मिलता है फीकल मैटर को बॉडी से रिमूव करने की तो हमारी बॉडी को एक फीलिंग होती है और उससे रेक्टम से होता हुआ एनस से पास होता हुआ फीकल मैटर बॉडी से बाहर निकल जाता है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को देख लिया फिर से एक बार रिकॉल करते हैं एलिमेंट्री कैनाल एक क्वाल ट्यूब होती है जो कि नाइन मीटर्स की होती है माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड होती है पहला पार्ट है माउथ और माउथ कैविटी माउथ कैविटी में टीथ टंग और सलाइवरी ग्लैंस होती हैं माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट पार्ट का पार्शियल डाइजेशन होता है फैरिंग्स एक कॉमन ट्यूब होती है ईसो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फूड को माउथ uh, कैविटी से स्टमक से कनेक्ट करके स्टमक तक पहुंचाती है स्टमक एक जे शेप्ड हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक में फूड ज़्यादा टाइम तक स्टोर होता है स्टमक में फूड का प्रोटीन पार्ट पार्शियली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं जेजनम इलियम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी होता है और इलियम पार्ट में विली होने की वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है इसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड है लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है जो कि सीकम कोलन और रेक्टम में डिवाइडेड है इन तीनों ही पार्ट्स में डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट आ गई है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाता है और फूड को फीकल मैटर में अनडाइजेस्टेड फूड को फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है फीकल मैटर जो है रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होकर एनस से रिमूव कर दी जाती है तो इस पूरे प्रोसेस के समय आपने देखा इंजेशन की भी प्रोसेस हुई है डाइजेशन की भी प्रोसेस हुई है और